नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने बाहर से आने वाली मछलियों की बिक्री और भंडारण पर लगा प्रतिबंध हटाया। सीवान जिले के दौरांदा थाना क्षेत्र के फतेहपुर चोवर गांव में अचानक 100 भेड़ों की हुई मौत, जिला प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद और जमुई में नक्सलियों के खिलाफ अभियान किया गया तेज। बगहा में कुख्यात महिला नक्सली निशा मांझी गिरफ्तार। और राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में पछुआ हवा के कारण ठंड बढ़ी। 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। राज्य सरकार ने बाहर से लाई जाने वाली मछलियों की बिक्री और भंडारण पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इसके बाद अब पटना के बाजारों में आंध्र प्रदेश की मछलियों की बिक्री का रास्ता खुल गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की एक टीम वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थलों से मछलियों के सैंपल एकत्र कर रही है, जिनकी जांच के बाद प्रतिबंध को लेकर अंतिम रूप से फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल पटना में आंध्र प्रदेश की मछलियों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। इधर प्रतिबंध हटाने की घोषणा के बाद मछुआरा संघ ने भी अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर चौवर गांव में अचानक एक एक कर 100 भेड़ों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चरवाहा भेड़ों को चराने के लिए खेतों में गया था, तभी इन भेड़ों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर टीम को रवाना कर दिया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय डाक भुगतान बैंक लोगों, विशेषकर ग्रामीणों के जीवन में बदलाव ला रहा है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय डाक भुगतान बैंक की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। डाक भुगतान बैंक को क्रांतिकारी बैंकिंग प्रणाली बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि लोगों को बैंक के जरिए दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। पूरा जो प्रयोग रहा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, मुझे पूरा विश्वास है ये अपने आप में इतिहास रचेगा और देश के हर नागरिक को, खासतौर पर हमारे गांव में रहने वाले भाई बहनों को जो अधिकार है बैंकिंग सुविधाओं का, जो उनकी जरूरत है अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े, भारत के विकास के साथ जुड़ने की, उसको पूरा करने में बहुत अहम भूमिका ये बैंक निभाएगा। इस अवसर पर संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि ये बैंक वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और डाक भुगतान बैंक के खातों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 2.5 लाख डाक कर्मियों और ग्रामीण डाक सेवकों को प्रशिक्षित और कुशल बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 1,10,000 से अधिक सेवा केंद्रों के साथ जो आज के ग्रामीण भारत में बैंक शाखाओं की संख्या से लगभग 2 गुने से ज्यादा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पहुंच और नेटवर्क की दृष्टि से सबसे बड़ा बैंक बन गया है। भारतीय डाक भुगतान बैंक का मूल मंत्र है आपका बैंक आपके द्वार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का काम शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 4,000 से अधिक डीजल चालित रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया और उम्मीद है कि इस वर्ष 6,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून में संशोधनों पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। इन संशोधनों के अंतर्गत अग्रिम जमानत न दिए जाने की व्यवस्था फिर कायम की गई है। न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है, इसलिए केंद्र की समीक्षा याचिका सहित सभी मामलों पर 19 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद और जमुई में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में पुलिस ने कुख्यात महिला नक्सली निशा मांझी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अरविंद गुप्ता ने बताया कि वाल्मीकि नगर में नक्सलियों के इकट्ठा होने की सूचना पर कार्रवाई की गई। इसी दौरान महिला नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ी गई नक्सली चंपापुर के पूर्व मुखिया मनोज सिंह हत्याकांड की मुख्य अभियुक्त है। इधर औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहार और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और एसएसबी ने नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई में कई हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। छापेमारी में एक राइफल, हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं।
वहीं सीआरपीएफ की आईजी चारू सिन्हा ने आज जमुई में नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा के लिए बैठक की। श्रीमती सिन्हा ने सुरक्षा बलों को प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। खनन और भूतत्व मंत्री विनोद सिंह ने कहा है कि राज्य में पत्थर के खनन को लेकर जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 1972 की नीति के तहत ही पत्थर खनन का कार्य किया जाएगा। इससे गिट्टी का मूल्य कम होगा और सरकार को भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र ने आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आज देश भर में पूर्वाह्न 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि हिमालय क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवा के कारण राज्य में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। रोहतास जिले का डेहरी आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गया का न्यूनतम तापमान 4.8, पटना 8.3, भागलपुर 8.7 और पूर्णिया का 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2-3 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं 2 फरवरी के बाद तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व आईएएस ब्रजकिशोर सिंह को 3 साल की सजा सुनाई गई है। सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के ओलीपुर ताहिरपुर गांव से 14,800 लीटर अवैध शराब निर्माण सामग्री बरामद की गई है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि इन सामग्रियों की कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र स्थित बाजार में आयकर विभाग की टीम ने गल्ला व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। गोपालगंज में बारात से लौट रहा एक वाहन अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 देसी कट्टा, आधा किलो चरस और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। शेखपुरा में शिक्षा विभाग ने फर्जी आधार पर नौकरी करने वाले लिपिक भूपेंद्र कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिलाधिकारी ने जांच के बाद लिपिक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था। बक्सर जिला प्रशासन ने खाद की कालाबाजारी की शिकायतों के मद्देनजर 82 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। विभागीय जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि इन उर्वरक विक्रेताओं द्वारा बिना पॉस मशीन के ही खाद की बिक्री की जा रही थी। अररिया सदर अस्पताल से गायब हुए एक नवजात बच्चे को डुब्बा पंचायत से सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया। वहीं जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के भदेसर इलाके से 2 युवक को 1 देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। सीतामढ़ी जिले के सदर अस्पताल में एआरटी केंद्र को बेहतर कार्य के लिए देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। बेगूसराय में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मुंगेर आउटरीच ब्यूरो इकाई ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में काफी संख्या में स्कूली छात्राओं ने भाग लिया। शिवहर जिले के तरियानी थाना अंतर्गत नरवारा चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र पर हमला कर 1,80,000 रूपये लूट लिए। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा में पुलिस ने हथियार के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। केरल के कोल्लम में कल से 10 फरवरी तक आयोजित होने वाले जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम में खगड़िया जिले की मीनाक्षी, शिवानी और नाजरीन आगा का चयन किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने बाहर से आने वाली मछलियों की बिक्री और भंडारण पर लगा प्रतिबंध हटाया। सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के फतेहपुर चोवर गांव में अचानक 100 भेड़ों की हुई मौत, जिला प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद और जमुई में नक्सलियों के खिलाफ अभियान किया गया तेज। बगहा में कुख्यात महिला नक्सली निशा मांझी गिरफ्तार। और राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में पछुआ हवा के कारण ठंड बढ़ी। 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
जनजाति कानून में संशोधनों पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। इन संशोधनों के अंतर्गत अग्रिम जमानत न दिए जाने की व्यवस्था बहाल की गई है। शीर्ष न्यायालय ने आज कहा कि केंद्र की समीक्षा याचिका सहित सभी मामलों पर 19 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 3-0 की अजेय बढ़त पर है। इस बीच चौथे और पांचवें एक दिवसीय मैच के साथ ही 2020 सीरीज के लिए भी भारतीय कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया है। विराट को विश्राम दिए जाने के बाद रोहित शर्मा को इस दौरे के विशेष मैचों के लिए टीम की कप्तानी सौंपी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।